चलिए आगे बढ़ते बात बड़ी खबर की। दुनिया के कई देशों में आतंक फैला रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ बॉर्डर पर सख्ती को भी बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार आने वाले यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी, तो हरिद्वार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के मरीज जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद चिंता भी बढ़ रही है। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश डीएम की ओर से दे दिए गए हैं। हरिद्वार आने वाले जो भी यात्री होंगे उनकी रैपिड टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही हरिद्वार में अंदर एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और चिंता की सबसे बड़ी बात ओमिक्रॉन वेरिएंट है। जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं अब, और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहां लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीनी पीएससी में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, हॉस्टल्स में बच्चे हैं, हर की पैड़ी पर मॉल हैं, इस तरह की जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, और सभी गवर्नमेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स जो नगर निगम के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं सबका आप फर्स्ट स्टेज में करिए।